लाइव टीवी समाचार और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ईद को लेकर एक शांति समिति की बैठक आयोजित रामनगर थाना परिसर में SDPO सत्यनारायण राम की अध्यक्षता में किया गया। शांति समिति की बैठक में थाना अध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त बैठा, ASI रामनोज सिंह, अंचलाधिकारी विनोद कुमार मिश्रा की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अक्षय तृतीया और ईद को लेकर उचित तरीके से मनाने तथा एकता और सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए पर्व को मनाने की गणमान लोगों से अपील की गई। रामनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सत्यनारायण राम ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस की तैनाती। चौक चौराहों पर CCTV कैमरे से भी रखी जाएगी हर गतिविधि पर नजर। थाना अध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा ने कहा कि पूर्व को शांतिपूर्ण ढंग मनाया जाए और शांति व्यवस्था कायम करने में प्रशासन का सहयोग करें, साथ ही किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना अविलंब करने में सहयोग करें ताकि शांति व्यवस्था कायम रखने में स्थानीय प्रशासन सफल हो सके। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सत्यनारायण राम ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एकता और भाईचारे के साथ पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। मौके पर गणमान्य लोगों में वर्तमान प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि सुरेंद्र यादव, पूर्व उप प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद जावेद, मुखिया संघ के अध्यक्ष मनीष पांडे, बुलबुल सिंह, शिक्षक ओबरुद्दीन रहमान और जदयू समाज सेवी तवरेज आलम आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हमें हर पर्व को एक साथ मिलकर खुशी से और शांतिपूर्वक मनाना चाहिए और अपने प्रखंड को भी मैं यही संदेश दूंगी कि बिना किसी गंगा के, बिना जाति धर्म के, सब कोई एकजुट होकर एक साथ खुशी बांटे और गले मिलकर ईद पर्व को मनाए। इस सरकार का भी गाइडलाइन है कि जो भी पर्व त्यौहार आते हैं उस पर्व त्यौहार के पहले एक शांति समिति की बैठक आयोजन किया जाता है और ईद के अवसर पर रामनगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की जा रही है और इसमें संदेश यही रहता है कि सभी लोग मिलजुल करके शांतिपूर्वक किसी भी पर्व त्यौहार को मनाएं, ईद भी मनाएं और इसी तरह के कहीं से किसी तरह की कोई अफवाह ना मिलती है तो उस पर लोगों का ध्यान नहीं रहना चाहिए और एक दूसरे से के अवसर पर गले मिलजुल करके इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं, यही संदेश लोगों को दिया जाता है और यही सरकार का भी निर्देश है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।